हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की जो यहाँ पर अपडेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है UP SSC से। UP SSC से तीन बड़ी अपडेट आई है। एक तो लेखपाल को लेकर के आई है, कनिष्ठ सहाय के सिलेबस को लेकर के आई है, और एक जो अपडेट है वो BPO को लेकर के आई है। तो तीन अपडेट आपको यहाँ पर UP SSC से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है डेलेट की काउंसलिंग का शेड्यूल पूरा जारी कर दिया गया है। कब से आप कॉलेज चूज कर पाएंगे, कब से आप फीस जमा कर पाएंगे, हर एक चीज इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत के तुरंत आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर UP SSC की बात करते हैं, जो कि आज के न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा हाईलाइट है। यहां पर लिखा है कि लेखपाल भर्ती 8085 पदों के लिए दस्तावेज परीक्षण 19 है। यानी कुल मिलाकर अब जो लेखपाल के जो अभ्यर्थी थे उन लोगों का जो इंतजार है वो समाप्त हुआ। बहुत पुरानी भर्ती थी, बहुत वाद विवाद भी इसमें हुआ, बहुत जो है बहुत तरीके की यहां पर जो है चीजें आई सामने कि इसमें नकल हुआ, बहुत सारे नकल माफिया इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन फाइनली इन सभी को नकारते हुए 19 तारीख से अब आप लोगों की DB होने वाली है। 27,433 अभ्यर्थियों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रदेश के राजस्व परिषद के अंतर्गत लेखपाल के खाली 8085 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा के आधार पर सफल 27,433 अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण 19 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होगा। लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती नवंबर दिसंबर 2021 से चल रही है। अब आप इस चीज को देख सकते हैं, 2021 की यह भर्ती है जो कि 2023 के एंड में भरने जा रही है। यानी पूरे जो है यहां पर दो साल हम बता सकते हैं। नवंबर दिसंबर में इसकी जो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी और 31 जुलाई 2022 को इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन जो है किया गया था। इसके आधार पर अभिलेख परीक्षण 27,455 का होगा। तो फिलहाल आप इन चीजों को देख सकते हो और दो पालियों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बताया भी गया 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे से होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इसमें शॉर्टलिस्ट हो तो आप लोग UP SSC की साइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं, VPO का फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा, ठीक है। और VPO का फॉर्म भरा था जिसमें 1468 पदों पर ग्राम पंचायत अधिकारी के और सहायक लेखाकार के 530 पद थे। इसकी एग्जाम डेट अभी फिलहाल नहीं घोषित की गई है कि इसका एग्जाम किस महीने होगा, बट इसके सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों और लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार के 530 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही इनकी लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। बुधवार को आयोग ने परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल के अनुसार परीक्षा में पंचायती राज, ग्राम विकास, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल होंगे। इसी तरह लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार परीक्षा भी होगी। तो यहां पर बता दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग के साथ 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बाकी आप पूरा सिलेबस आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने पूरा PDF डाल दिया है इसके सिलेबस का। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को मेरे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सिलेबस चाहिए तो, नहीं चाहिए तो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी जो नोटिसेस होती हैं वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाती है। और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो भी टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो लिंक टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप जरूर जुड़ जाइए। वहीं पर कनिष्ठ सहायक की उत्तर कुंजी पर आपत्ति आप कर सकते हैं। तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो है कि उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग ने पिछले दिनों सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की थी। इस पर 13 सितंबर तक आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन अब जो है आप इसकी आपत्ति 18 सितंबर तक कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है तो 18 तारीख इसकी लास्ट डेट दे दी गई है। चलिए आगे आते हैं, जो कि डेलेट को लेकर के है। और डेलेट की काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है उसको जारी कर दिया गया है कल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 15 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट थी, लेकिन अब उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शेड्यूल आप देख सकते हैं, मैं शेड्यूल यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपको ये शेड्यूल डाउनलोड करना है तो वही चीज है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पर ये ऑफिशियल शेड्यूल है जिसमें ये बताया गया कि 15 सितंबर से 2023 से लेकर 3 अक्टूबर 2023 तक आप लोग जो है स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थी जो है प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने 5,000 रुपए आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा, ठीक है। ये आपको 5,000 रुपए पहले आपको जमा करना होगा। उसके बाद में जो यहां पर आप जो अपना संस्थान है उसका जो विकल्प चूज करना है, ठीक है, अलॉटमेंट के लिए, तो वो आप 18 सितंबर से कर पाएंगे। यानी 18 सितंबर से 20 सितंबर तक 1 रैंक से 20,000 रैंक वाले भर पाएंगे। 21 सितंबर से 24 सितंबर तक 20,000 से लेकर 80,000 रैंक तक कर पाएंगे। वहीं पर 26 सितंबर से 29 सितंबर तक 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक जो है यहां पर कर पाएंगे।
अच्छा, आप में से कितने लोग ये चाहते हो कि डेलेड काउंसलिंग पर एक फुल वीडियो बना दी जाए कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया होती है? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कमेंट करोगे इस टॉपिक पर, आप पूरा वीडियो चाहोगे तो इस पर वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए अगर आपको डेलेड काउंसलिंग पर फुल वीडियो चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपडेट है वो बिहार शिक्षक भर्ती से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, बड़ी खुशखबरी हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके जो पद हैं, जिस पदों पर भर्ती चल रही है उन पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। और की कैसे जा रही है, देखो यहां पर लिखा है शिक्षकों की रिक्ति जिलों से मांगी। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है और रिक्त पदों का सही आकलन कर 14 सितंबर की शाम 6 बजे तक सूची भेजने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति कार्रवाई को लेकर जिलों से रिक्ति मांग की गई है। जिलों को लिखे पत्र में कहा गया कि समीक्षा में पाया गया है कि पश्चिम चंपारण, कटिहार, दरभंगा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी आदि जिलों में पूर्व में अधिक रिक्त की अध्याचना की गई है। तो ये चीज यहां पर देख सकते हैं। अब नई जो यहां पर मांगी गई है रिक्तियों की विवरण, और जाहिर सी बात है जब भी रिक्तियों का विवरण मांगा जाता है तो 99% चांसेस रहते हैं कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब रिक्तियों को मांगा गया होगा पहले, उससे लेकर आज तक जो है काफी टाइम हो गया होगा, तो कुछ लोग रिटायर हुए होंगे, कुछ लोग नौकरी छोड़े होंगे, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इस वजह से पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।